नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को मिली जगह लगातार पांचवी हार। पंजाब किंग्स ने 12 रन से जीता मुकाबला। जी हाँ, कल 13 अप्रैल को हुआ मैच में मुंबई इंडियंस हार गई, जिसमें पंजाब किंग्स ने 12 रन से मुकाबला जीत लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में खबरें। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 70 और कप्तान मयंक अग्रवाल 52 के अर्धशतक की बदौलत पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 2022 आईपीएल के 23वें मैच में बुधवार को 12 रन से हरा दिया। इस सीजन में मुंबई इंडियंस की ये लगातार पांचवी हार है। पंजाब ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 198 रन का विशाल स्कोर बनाया, जबकि मुंबई काफी कोशिशें करने के बावजूद 9 विकेट पर 186 रन तक ही पहुंच सकी। पंजाब ने 5 मैचों में तीसरी जीत दर्ज की और तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। लक्ष्य का पीछा करते हुए हर मुंबई ने 31 रन की ठोस शुरुआत की, लेकिन इस अच्छी शुरुआत के बाद दोनों ओपनर को विकेट गंवा दिए। कप्तान रोहित शर्मा ने कागिसो रबाडा पर जोरदार छक्का मारा, लेकिन अगली गेंद पर कैच विशाल उछाल बैठे। रोहित शरीर पर आधी गेंद पर पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा ले गई और स्क्वायर लेग की दिशा में खड़ी हो गई। शॉट फाइन लेग के आगे आकर डाइव लगाई और कैच लपक लिया। पंजाब को मिल गया है बहुत बड़ा विकेट। रोहित ने 17 गेंदों पर 28 रन में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। अगले ओवर में ईशान किशन आउट हो गए। वैभव अरोड़ा की गेंद किशन को ऑफ स्टंप पर वुडलेन गिरकर हल्का सा बाहर की ओर निकल ली। डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले की बाहरी किनारा लेते हुए कीपर के हाथों में पहुंची। मुंबई का दूसरा विकेट 32 के स्कोर पर गिरा। डेवाल्ड ब्रेविस ने राहुल चाहर के एक ओवर में 4 छक्के उड़ाने सहित 29 रन बटोरे, लेकिन वह मात्र 1 रन से अर्धशतक बनाने से चूक गए। ओडिन स्मिथ की गेंद पर अर्शदीप ने ब्रेविस का कैच लपका। ब्रेविस ने 25 गेंदों पर 40 रन में 4 चौके और 5 छक्के लगाए। तिलक वर्मा ने 20 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के के सहारे 36 रन बनाकर 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। किरण प्लाट 10 गेंदों में 11 रन बनाकर टीम के 152 स्कोर पर रन आउट हो गए। हल्की सी मिसफील्ड हुई और ओडिन से दूसरा रन लेने के चक्कर में तालमेल में हुई कमी और दोनों बल्लेबाज आधी पिच पर खड़े रह गए। ओडिन का थ्रो सीधे विकेट कीपर के पास था और प्लाट दूर दूर तक क्रीज के आसपास नहीं थे। मुंबई को लगा बहुत बड़ा झटका। मुंबई का 2 ओवर जीत के लिए चाहिए थे 28 रन और आखिर मुंबई की सारी उम्मीदें सूर्य कुमार पर टिकी थी। सूर्य 30 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से 43 रन बनाकर रबादा की गेंद पर स्मिथ को ऊंचा कैच दे बैठे। जयदेव उनादकट ने स्मिथ के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ा दिया। उन्हें फिर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उनादकट कैच आउट हो गया। उनादकट ने 7 गेंदों पर 12 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह भी कैच आउट हो गए। टाइमन मुलसी इस ओवर में आउट हुए और पंजाब ने शानदार जीत हासिल की। स्मिथ ने आखिरी ओवर में 3 विकेट सहित कुल 4 विकेट लिए। इससे पहले पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत शुरुआत की। मयंक और धवन ने पहले पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 65 रन जोड़े। दोनों खिलाड़ियों ने मुंबई के गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली। वे 100 रन की साझेदारी की और बढ़ रहे थे कि 10 ओवर की तीसरी गेंद और 97 के स्कोर पर मयंक के रूप में पंजाब का पहला विकेट गिर गया। इसके बाद धवन हालांकि एक छोर पर टिके रहे और तेजी से रन बटोरते रहे। तीसरे नंबर पर खेलने आए जानी बेरस्टो आज फिर फॉर्म से जूझते दिखे और 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। 127 के स्कोर पर पंजाब का यह दूसरा विकेट था। इनफॉर्म बल्लेबाज नियाम लिविंगस्टोन भी आज महज 2 रन बनाकर आउट हो गए। 130 के स्कोर पर उनका विकेट गिरा। पंजाब को हालांकि विकेटों के गिरने की कोई दिक्कत नहीं हुई। शिखर एक छोर पर चौके छक्के लगाते रहे, जिससे पारी आगे बढ़ती रही। इसी बीच 151 के स्कोर पर धवन भी आउट हो गए। फिर अंत में जितेंद्र शर्मा और शाहरुख खान ने मजबूत शुरुआत का फायदा उठाते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी 3 ओवरों में 47 रन बनाए और टीम 198 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। धवन ने 5 चौके और
तीन छक्कों के दम पर 50 गेंदों पर सर्वाधिक 70 और मयंक ने 6 चौके और 2 छक्कों के सहारे 32 गेंदों पर 52 रन बनाए, जबकि जितेश ने 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 15 गेंदों पर 30 और शाहरुख ने 2 छक्कों की मदद से 6 गेंदों पर 15 रन की तूफानी पारी खेली। मुंबई की ओर से बासित लप्पी ने 4 ओवर में 47 रन खर्च कर 2 विकेट लिए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, जयदेव उनादकट और मुरुगन अश्विन को 1-1 विकेट मिला। धन्यवाद।